जा सकता है। अब दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शेर को ही सही माने में राजा माना जाता है, क्योंकि जो जो खूबियां एक राजा के अंदर होती हैं वो तमाम खूबियां एक शेर के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से शेर ही जंगल का राजा माना जाता है। मगर दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शेर वाकई एक राजा कहलाने के काबिल है? हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हुआ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।